कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। जिस सिविल वॉलेंटियर संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के बाद अरेस्ट किया था और जिसे आरोपी मानकर सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर रहा है। उसका आरोप है कि उसको इस मामले में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, जबकि वो पूरी तरह से बेकसूर है। सीबीआई उसका पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा चुकी है, लेकिन अभी नतीजों तक पहुंच पाने से दूर है। संजय रॉय के अलावा 7 और लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है, लेकिन अब इस मामले में एक नया टर्न आ रहा है। सीबीआई के चंगुल में संजय रॉय का साथी बताया जा रहा एक ऐसा शख्स फंसा है, जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो संजय रॉय का राजदार हो सकता है, जिससे कई अहम सुराग सीबीआई के हाथ लग सकते हैं। संजय रॉय का दोस्त बताया जा रहे इस शख्स का नाम है अनूप दत्ता। हैरानी वाली बात यह है कि अनूप दत्ता बंगाल पुलिस का ही एक अधिकारी है। ये कोलकाता में ही बतौर एएसआई तैनात है। इसे लेकर जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक एएसआई अनूप दत्ता के साथ आरोपी सिविल वॉलेंटियर संजय रॉय का उठना बैठना था और दोनों एक ही बैरक में रहा भी करते थे। बताया जा रहा है कि जिस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ वारदात हुई थी, उस दिन भी एएसआई अनूप दत्ता और संजय रॉय की फोन पर कई बार बात हुई थी। सीबीआई को शक है कि वारदात से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अनूप दत्ता का कुछ न कुछ लेना देना हो सकता है, जिसे वो छिपा रहा है। इससे पहले संदिग्ध आरोपी एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ भी की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक कोई खास सुराग हाथ नहीं लग पाए हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि सीबीआई अब संदिग्ध आरोपी अनूप दत्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, साथ ही इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। दरअसल इस मामले में सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में आरोपी संजय रॉय का अक्सर जिन लोगों से मिलना जुलना रहा करता था, वे भी पुलिस की रडार पर हैं। इसी तरह की छानबीन में एएसआई अनूप दत्ता का नाम सामने आया था। हाल फिलहाल सीबीआई यही मानकर चल रही है कि अनूप दत्ता का इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कोई लेना देना या कोई जुड़ाव जरूर हो सकता है। मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय पहले ही खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर चुका है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौके वाली जगह से मिले कई फॉरेंसिक सुराग उसके इन दावों को झुठला रहे हैं। शुरू शुरू में कोलकाता पुलिस ने इससे हुई कड़ी पूछताछ के बाद ही दावा किया था कि संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये गुत्थी उतनी ही ज्यादा उलझती चली जा रही है। जबकि बाहर सड़कों पर लोगों की नाराजगी उफान पर है, वो इस मामले में अब तक किसी ठोस नतीजे तक न पहुंच पाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ मामले की तफ्तीश जल्द से जल्द पूरी करने का दबाव जांच एजेंसी पर भी जरूर होगा।